हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के क्लास में हम लोग सर्किल पर जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हिंदी में व्यापक समीकरण कहते हैं। उसे आप देखें, उसके और उससे रिलेटेड तरह तरह के क्वेश्चन, तो समझिए। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये सर्किल के लिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो वो चीज़ पिछले वीडियो में हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा रहे थे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जनरल इक्वेशन, जिसको हिंदी में व्यापक समीकरण कहते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे आप लोग ध्यान से समझें। तो जो मानक तरीका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी सर्किल का वृत्त का मानक समीकरण, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप जहाँ जानते हैं एच के क्या होता है, सेंटर होता है और रेडियस होता है। ये वृत्त का मानक समीकरण है। ये हम लोग सर्किल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए इसी के आगे बढ़ते क्रम में, और इसका प्रसार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई, टू के वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वृत्त का मानक समीकरण में लिखा है, उसी को प्रसार कर रहे हैं। यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर डालने लगता है माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ दोस्तों समझिए आप लोग, जो ये माइनस एच है, जिसको एच के साथ माइनस लगा दें, तो यहाँ माइनस एच को भी मान लिया जाए और माइनस ये है के है, माइनस के को अगर एफ मान लें, ये माइनस एफ को जी मान लेंगे, माइनस के को एफ मान लेंगे, तो ये समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एफ को जी हो जाएगा, तो टू जी एफ हो जाएगा। इसे माइनस के को जब एफ मान लेंगे तो टू एफ वाई हो जाएगा। और इस चीज़ में ध्यान दें, यहाँ भी यही कर देते हैं, तो एच के स्थान में हम लोग क्या मान लेंगे, एच के स्थान में माइनस जी कह देंगे, तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये के है वो एफ हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आप अगर तुलना कर लें, इसको अगर हम सी मान लेते हैं कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एफ प्लस टू एफ वाई प्लस सी। ये टोटल कांस्टेंट है, कोई एक निश्चित बान मान होगा, बराबर जीरो कर लेते हैं। तो जहाँ पर ये जो जी है और एफ है, जी कितना है, देखिए ये माइनस एच बराबर जी माने हैं, माइनस एच बराबर जी, तो एच बराबर कितना हो सकता है, माइनस जी होगा। ऐसे हुआ माइनस के बराबर जब एफ है, तो के बराबर क्या होगा, माइनस एफ हो जाएगा। और सी इसे तुलना इसे करेंगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो सी बराबर हो जाएगा जी का वर्ग प्लस एफ का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यहाँ से रेडियस आर निकाल लें, इधर हो जाएगा पक्षांतर करेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वर्ग हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये प्यारे दोस्तों, ये रेडियस आर ज्ञात करने का फार्मूला हुआ। और जैसा जानते हो, ये व्यापक जो मानक समीकरण है एच और के, तो यहाँ एच माइनस जी है, के माइनस एफ है, इसलिए जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। और ये जो है ये व्यापक समीकरण ही हो गया, जनरल इक्वेशन, इस कहते हैं जनरल इक्वेशन। हिंदी में इसको व्यापक समीकरण कहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ जाता है इसका व्यापक समीकरण क्या होगा।
अभी व्यापक समीकरण जान कर जाओगे तो इसका सेंटर और रेडियस भी निकालना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिए, तो जो ये मानक समीकरण दिया है उस मानक समीकरण को प्रसार कर लिया जाए तो उस टाइप का आ जाएगा, और उन्हीं में माइनस एच को जी और माइनस के को एफ मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया, एच के स्थान में जी और के स्थान में जी एफ भर दिया, ये हो गया। अब आप इसको सी मान लेते, क्योंकि अचर पद रहेगा क्योंकि एच और जी कोई निश्चित मान होगा, तो इसको सी मान लिया गया। जब सी मान लिया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो हो गया। अब यही जो आप जैसे जानते हो एच बराबर माइनस जी के माइनस एफ, यही एच के क्या होता है, सेंटर होता है। देखिए यहाँ से जैसे माइनस से निकल कर केंद्र होता है तो वही सेंटर यहाँ पर माइनस जी माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए फॉर जनरल इक्वेशन के लिए, सर्किल के व्यापक समीकरण के लिए, तो ये जो बन गया ये हमारा क्या है, वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया। इसको हम ब्रैकेट में इस प्रकार बंद कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण, ठीक है। ये व्यापक समीकरण, और रेडियस इसकी आर जो है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस मिल गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये आप लोग समझिए कि सेंटर निकालने, मान लिया व्यापक समीकरण दिया रहेगा उसका सेंटर पूछे तो देखो टू, यहाँ टू जी है तो उसका हाफ होता है, मतलब जितना रहेगा ये एक्स का कोफिशियंट उसका हाफ यानी आधा करेंगे और साइन चेंज होगा, प्लस रहेगा तो माइनस है ना, अब माइनस रहेगा तो प्लस, तब वो सेंटर बनता है। जैसे टू एफ है तो देखो एफ लिखा गया, प्लस है तो माइनस कहा गया। तो कहने का मतलब जितना एक्स और वाई का कोफिशियंट हो उसका हाफ कर दिया जाएगा और साइन चेंज कर देंगे तब जाके सेंटर बन जाता है। और रेडियस जी का इसका दोनों को वर्क कर देते हैं और जो कांस्टेंट है वो सेपरेट कर दे माइनस कर देते हैं। इस प्रकार से व्यापक समीकरण से जो सेंटर और रेडियस ज्ञात हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक से। तो अब इसके आगे इसके हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, बताने जा रहे हैं, तो ध्यान को समझें। क्वेश्चन आप लोग समझें, क्वेश्चन नंबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। केंद्र एवं त्रिज्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेंटर बताना है एंड रेडियस बताना है ऐसे सर्किल का। ध्यान दीजिए सबसे पहले तो पहचान क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक वन वन होना चाहिए या दोनों समान होना चाहिए तो सर्किल होता है। अब केंद्र और रेडियस बताने, सेंटर और रेडियस बताने के लिए इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको परफेक्ट स्क्वायर करके सिखाए थे। आज हम आपको व्यापक समीकरण का निगमन कराए, तो व्यापक जनरल इक्वेशन का निगमन कहते हैं, जगह जनरल इक्वेशन भी कहते हैं या व्यापक समीकरण कहते हैं, तो उसके द्वारा हम आपको उसके सेंटर और रेडियस बताएंगे। तो इसमें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन कर लेंगे वो जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये है जनरल इक्वेशन। अब ये यहाँ हम कंपेरिजन करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट फोर है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट टू जी है, इसी पर वाई कोफिशिएंट फोर है और यहाँ वाई का कोफिशिएंट टू एफ है, और यहाँ ये कॉन्स्टेंट टर्म है सी और यहाँ का माइनस वन है, तो इनकी सबकी तुलना कर लिया जाए। तो वाई कंपेरिजन तुलना करने पर कंपेरिजन, ठीक है, जिसको हम तुलना भी कह देते हैं, तुलना करेंगे तो कितना होगा, टू जी इज इक्वल टू फोर देयर फोर जी इज इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ से कंपेरिजन वाई का करेंगे गुणांक का तो टू एफ बराबर फोर देयर फोर एफ इज इक्वल टू टू हो जाएगा।
और कॉन्स्टेंट सी कितना है, ये माइनस है, इसलिए माइनस वन हो जाएगा। अब आप जानते हो सेंटर जनरल का क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ, इसी विषय में सेंटर, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस टू, ये भी माइनस टू हो जाएगा, इस प्रकार से सेंटर हो गया। और रेडियस आर का फार्मूला तो जान चुके हो, पढ़ चुके हो अभी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसमें रख देंगे जी कितना है, यही माइनस टू, ये टू लीजिए, टू का वर्ग फोर हो जाएगा, ये भी टू है, टू का स्क्वायर फोर, और सी कितना माइनस वन, ये माइनस टू प्लस बन जाएगा, तो चार चार आठ एक नौ, ठीक है, चार चार आठ एक नौ, तो नौ का रूट कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है आपका ये रेडियस ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन का रेडियस बनाना और सेंटर में निकालना, ठीक, दोनों चीज़ों को बता दिया गया आपको। तो इस प्रकार से व्यापक समीकरण के द्वारा निकालना है, तो इस प्रकार से निकल आ जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी है, ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गए स्टूडेंट, इसको मिटा रहे हैं। जाता है जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों से तीन व चार इकाई के अंतखंड काटता है, तीन व चार इकाई का अंतखंड काटता है, ये शुद्ध क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझे। ऐसे सर्किल का समीकरण बताना है जो सेंटर से मूल बिंदु ओरिजिन से जाता है और दोनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस और वाई से थ्री, एक से तीन, मानी एक एक्स से तीन और एक एक्स से मानी वाई से चार इकाई का अंतखंड काटता है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका फिगर देखिए, मूल ओरिजिन से जाएगा तो ये मूल बिंदु है और ओरिजिन दोनों से अंतखंड भी काटेगा। देखिए इस क्वेश्चन को, फिगर भी देखिए किस प्रकार का, ये एक्स में ये मूल बिंदु हो गया, इतना एक्स में काट रहा है, तीन मान लेते हैं इतना, या तीन लीजिए, और इसमें चार काट रहे हैं, चार लीजिए, चार है यहाँ लीजिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये सेंटर होगा। आप जानते हो सेंटर से ये क्वाड क्या है, जीवा काम करे, क्वाड का काम करेगा, तो सेंटर से जीवा पर जो लंब डालते हैं तो जीवा को अर्धक करता है, ये प्रमेय है उसका, थ्योरम भी है। तो सेंटर यहाँ हम सी मान लेते हैं, तो इस सेंटर से इस जीवा पर परपेंडिकुलर लंब डाल दिया तो ये पूरा तीन है, तो उसका हाफ कितना होगा, थ्री बाई टू, ये यहाँ नहीं देता हूँ बाहर, थ्री बाई टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो जीवा है तीन की है, तो उसका आधा जो है तीन बढ़ दो हो जाएगा। ऐसे ये क्वार जीवा चार है, तो उसका आधा के यहाँ से लंब गिरा दूंगा, यहाँ से लंब गिराओगे तो आधा कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, चार का आधा दो हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटर, जब ये सेंटर को कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये एक्सिस कहलाएगा और ये जो है ऊपर के ऑर्डिनेट कहलाएगा, तो कितना है दो है, जब ये दो हो तो ये भी दो हो जाएगा, तो सेंटर होगा थ्री बाई टू और टू, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब रही रेडियस की, तो रेडियस क्या हो, सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस होगा, ये जो ओ से सी तक की दूरी होगी, यही जो है रेडियस हो जाएगी,
अब इसको आप निकाल लेंगे, सेंटर जो मूल बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है, तो ओ से सी तक की दूरी निकालेंगे है ना आर बराबर, तो आप जानते हो जो कि रेडियस कहलाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर और प्लस वाई वन माइनस वाई टू के होल स्क्वायर के फार्मूले से निकालेंगे इसको। ये कितना हो, देखो ये 3/2 है, 3/2 यहाँ 0 हो जाएगा, ये तो 0 होगा, तो होल स्क्वायर ऐसे वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू से वाई टू माइनस वाई वन यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 9/4 और इसका 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। एलसीएम करोगे 4 + 16 = 9 = 25, 25/4 हो जाएगा 5/2, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात, ये रेडियस हो गया। इस प्रकार से हम रेडियस प्राप्त कर लिए और सेंटर प्राप्त कर लिए, 3/2 और 2 सेंटर हो गया। तो ऐसे सर्किल का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण ठीक है, स्टैंड मानक समीकरण जो बताया गया है उसी में आपको रखना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस ये यही एच के का काम करेगा और ये रेडियस हो जाएगा, तो एच में कितना भर देंगे 3/2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस के में कितना है, के में आपका है वो 2 है ना, 2 का होल पूरे वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आर रेडियस ये है 5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर इस प्रकार। अब इसको हल कर लीजिए, चाहे एलसीएम कर लीजिए, तो हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4 बाहर कर लीजिए, इस वक्त वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 5/25/4 हो जाएगा। अब अगर 4 अगर लघुत्तम ले लेंगे या सब में गुणा कर दें 4 से, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 × y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, इसके वर्ग को फुल प्रसार कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रसार करके गुणा करके रख दीजिए, जो आ जाएगा वही जो है वृत्त का समीकरण हो जाएगा, जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगा और अच्छों से 3 इकाई और 4 इकाई के अंतरखंड काटते हैं। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, तब फिर खोल लोगे तो गुणा कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ठीक है प्यारे आज के स्टूडेंट, आप लोग की आज की वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।